नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ऐसे मोबाइल होल्डर की, एक ऐसे मोबाइल स्टैंड की जो आपकी मदद करेगा अनबॉक्सिंग वीडियोस को शूट करने में, या कहें ओवरहेड वीडियोस बनाने में, जिसमें आप अपने टेबल पे रख के कोई ऑब्जेक्ट, कोई बुक या किसी चीज़ को आप शो कर रहे हैं। तो ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए ऐसे मोबाइल स्टैंड या ऐसे मोबाइल होल्डर की आपको ज़रूरत पड़ेगी जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी है। अभी आप देख रहे हैं मैंने इस पैकेट को खोला है, तो ये जो इसका क्लैंप है ये भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। इसके साथ ये एक होल्डर मिलेगा जिसमें आप माइक लगाएंगे, ये फ़िलहाल माइक के लिए है। तो साथ ही साथ मैं आज सुबह आपको ये भी बताऊंगा कि इसको एज ए मोबाइल होल्डर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मेन स्टैंड को देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी है यार और स्ट्रॉन्ग भी है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत अगर टेबल वगैरह हिल रहा है तो ये वाइब्रेट कर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। इसके जो स्प्रिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी के हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, एक स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसे सेट कर लिया है, कुछ इस तरीके से ये टेबल पे सेट हो जाएगा और इसे कैसे भी एडजस्ट करके आप अपनी वीडियोस को शूट कर सकते हैं। फिलहाल ये जो है माइक के लिए है, इसमें आप माइक लगा के और अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम शुरू करेंगे कि कैसे इसे मोबाइल होल्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इस माइक होल्डर को अपने मोबाइल होल्डर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो इसका पोर्शन है इसको आपने इससे अलग कर लेना है। तो यहाँ से आप इसे ओपन कर लेंगे और इस वाले पार्ट को इस स्टैंड से अलग कर देंगे। अब ये वाला जो स्क्रू है आप इसे निकालेंगे और ये जो आपका पोर्शन है माइक वाला ये बिल्कुल से इससे अलग हो जाएगा। अब इसके अंदर जो भी ये क्लिप्स वगैरह निकल रही हैं इनको आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज़ इधर उधर हुई तो ये सारा ख़राब हो जाएगा। अब आपको एक बोल्ट लेना है ऐसा जो इसमें फिट आ जाए और साथ ही साथ आपका जो मोबाइल होल्डर होगा उसमें भी वो फिट आ जाए। तो आपने क्या करना है, इस बोल्ट को उसी तरीके से सेट कर देना है जैसे ये माइक वाला पोर्शन इसमें लगा हुआ था। तो इस बोल्ट के दोनों तरफ ये जो क्लिप्स हैं, दो पत्तियां हैं जो दोनों, इनको ऐसे लगाएंगे और वापस से उसी स्क्रू की हेल्प से इसे उसी प्लेस पे सेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसे लगा देता हूँ। अब ये जो है क्लिप्स हैं इनको थोड़ा सा लगाना यहाँ पे ये वाला जो काम है मुश्किल है, क्योंकि ये स्लिप हो जाते हैं और कई बार सही से लगते नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही जैसे मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ इसी तरीके से एक बोल्ट लेके और उस बोल्ट को इसमें सेट कर देना है। अब लगाने के बाद वो जो स्क्रू था उसी की हेल्प से इसे टाइट कर देंगे तो ये बिल्कुल इसमें परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएगा। फुली टाइट कर देंगे इसे ताकि ये हिले नहीं बिल्कुल भी और एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो जाए। तो अभी ये जो है एकदम परफेक्ट तरीके से ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक मोबाइल होल्डर लेना है जो आपके गोरिल्ला पॉड वगैरह में ऑलरेडी लगा होगा, आप उसे निकाल सकते हैं और इसी के साइज़ का आपको वो बोल्ट भी लेके आना है जो मैंने अभी बताया था, जो इसमें अभी लगा रखा है ये इसी के साइज़ का लाना है और इसे इस तरीके से इस पे स्क्रू कर देना है, लगा देना है। अब ये दोस्तों एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है। एक और चीज़ आती है जिसे बॉल हेड बोलते हैं, रोटेटेबल बॉल हेड बोलते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, उसे भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्लैंप को कुछ इस तरीके से इस पे लगा देंगे और फिर इसे लूज़ करके जहाँ भी आप टेबल पे लगाना चाहते हैं या कोई शेल्फ़ पे लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे इसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए ट्राइपॉड, सॉरी अपना जो मोबाइल होल्डर है वो एकदम रेडी है, एकदम परफेक्ट है यार, मतलब आप किसी भी एंगल में इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब
जहां आपने इसको सेट कर दिया वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वहीं पे सेट हो जाएगा। जब तक आप इसे लूज़ करके मूव नहीं करेंगे ये बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नीचे आ जाएगा या लूज़ हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है इसमें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ और ये वाला जो वीडियो है वो 2 दिन के बाद बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं बेटर तरीके से इस पर सेट हो गया है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला है। अब दोस्तों ये सिर्फ मुझे क्या है कि मोबाइल वीडियोस को शूट करना है, इसलिए मैंने ये बोल्ट के साथ ये जो है होल्डर लगाया है। अगर आप इसे और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं तो इस तरीके का एक रोटेटेबल बॉल हेड आएगा, आप उसे भी मंगवा लीजिए। जब उसे आप इस पर सेट कर लेंगे तो ये और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फिर आप इसे किसी भी एंगल में, मतलब 360 डिग्री में भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टेबल पे फ़ोन रख के और वीडियोज़ बनाने हैं, अनबॉक्सिंग वीडियोज़ बनाने हैं, तो मैंने इस तरीके का इसमें मोबाइल होल्डर लगाया है। अगर आप चाहें तो आप रोटेटेबल बॉल हेड भी लगा सकते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको इस स्टैंड का, मोबाइल होल्डर का और रोटेटेबल बॉल हेड का, तीनों का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरीके के वीडियो जो मैंने आपको बताए अनबॉक्सिंग वगैरह, अगर वो शूट करने हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। अब दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।